बानी को भेजूंगा दुकान और पतंग लेकर आएगा बानी। कितना लगेगा बानी? घंटे का लग गया तन सागे साधन तो बानी कह रहे कि नहीं जाऊंगा। कभी कभी गांव आकर खेतों से घर पे ठहरते हैं तो यार सुकून मिलता है, वाकई बहुत ही प्यार लगने लगता है गांव। तो दोस्तों हमारा दिल टूट गया है आज, दुकानों में हम लोगों को पतंग नहीं मिला पूरे गांव में, लेकिन आज गांव में पतंग नहीं मिला इस दिन पे मकर संक्रांति पे इस त्योहार पे आज नहीं मिला। क्या करे, अगर पतंग होता तो यार एंजॉय करते बेच लगाते। तो दोस्तों आज शाम को मकर संक्रांति पे ये भोजन बनाया है खेत में, गिलास लिया गिलास लिया शंको की आप पापा ही तो आया यार लिया गिलास पड़ी वहां। हिंदी में तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। कैसे हो आप सभी, आई होप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों माफी चाहूंगा क्योंकि आज के बाद फिर से हिंदी भाषा में ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि राजस्थानी भाषा में ब्लॉग बनाते हैं तो रिस्पांस बहुत ही कम मिलता है, इस वजह से आज हिंदी भाषा में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है फिर से। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज करेंगे दोस्तों व्लॉग में एंजॉय, पतंग उड़ाएंगे। अभी जा रहे हैं खेतों से गांव, गांव जाकर पतंग उड़ाएंगे आज। और ये है पानी और गांव का भी नजारा दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं गांव में और आ गया मेरा घर, यहाँ पे आ गया। वेलकम टू माय होम दोस्तों। शादी वगैरह तो नहीं लेकर आए हैं, वैसे भी लोग खेतों में रहते हैं फैमिली वाले, गांव में कोई नहीं रहता है, कभी कभी आते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं छत पे और गांव में तो यार पतंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। देखो गांव का नजारा, कभी कभी गांव आकर खेतों से घर पे ठहरते हैं तो यार सुकून मिलता है, वाकई बहुत ही प्यार लगने लगता है गांव, है ना भाई, सुकून मिल रहा है। और पतंग वगैरह कुछ नहीं उड़ रही है इसलिए हमारा भी मन नहीं कर रहा दोस्तों। देखेंगे दो बजे या तीन और पतंग उड़ेंगे तो हम भी उड़ाएंगे वरना नहीं उड़ाएंगे। तो दोस्तों बानी को भेजूंगा दुकान और पतंग लेकर आएगा बानी। कितना लगेगा बानी? ₹500 देना पड़ेगा बानी को। तो बानी लेकर आ जल्दी। अरे यार एक लंडर लगे रही दो, क्या लगे लिया घंटे का लग गया तन सागे साधन उसी। तो बानी कह रहे कि नहीं जाऊंगा अकेला, तो साथ में चलते कुछ क्या भेजे गणे आगे। तो
दोस्तों हमारा दिल टूट गया है आज। दुकानों में हम लोगों को पतंग नहीं मिला, पूरी गांव में, लेकिन आज पतंग नहीं मिला इस दिन पे, मकर संक्रांति पे, इस त्योहार पे आज नहीं मिला। क्या करे, अगर पतंग होता तो यार एंजॉय करते, पेज लगाते और पतंग तो नहीं मिला तो और ये सामान लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस पे सब खाना बनेगा खेत में, बड़ा गुलगुला फिंगर ये सब। और क्या लाइन आएगा आज जानी, खुश खुशी आएगा ये, बुलाएंगे नहीं इसको तो हम जाएंगे वापस खेत, तो चलते हैं वापस खेत में। हाँ शेरा भाई तो दोस्तों ऊंट गाड़ी पे सवार हो चुके हम लोग, तो काफी दिनों के बाद दोस्त का ऊंट गाड़ा है चिट्टी बिल्कुल नाम है इसका। हाँ अब बोली हाँ ओरिया लग गया है पूरा दिन। आजे तो ऊंट गाड़ा दोस्तों इस मार्ग जा रहा है और हम जा रहे हैं हमारी मार्ग मतलब रास्ता, ये रास्ता लगता है हमारे कुत्तों का, जा रहे हैं। पतंग तो नहीं मिला आज हम लोगों को, ये दुख रहा आज का। तो दोस्तों यहाँ के आसपास की थी लोग की शुरुआत आ चुके हैं। यहाँ पे देखो फसल सरसों की फसल है, यहाँ पे आप दिखा भाई बनी बढ़िया, फिर क्यों दिखा दोस्तों। हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में वापस, और कैसा खाना बनेगा दिखाएंगे आपको शाम को बानी को नहीं बुलाएंगे आज। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं खेत में डाणी में, और अभी चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे क्योंकि थकान आ चुकी है यार, पैदल आए थे गांव से खेत, तो चाय बन रही है, चाय पियेंगे पहले, उसके बाद खाना बनेगा तो दिखाएंगे आपको किस तरह का खाना बनता है। सही बात है, मुंह अंत क्या नानू गिलास लिया है, चाय पीनी है, गिलास लिया शंको की आप पापा ही तो आया यार, लिया गिलास पीड़ियो वहां आओ। एक नंबर तो दोस्तों आज शाम को मकर संक्रांति पे ये भोजन बनाया है खेत में, गुलगुला और फिंगर और तो दोस्तों अब करता हूँ इस व्लॉग को समाप्त। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। Okay.